दोस्तों हमने हम लोगों का पोको F1 डिवाइस पे इंस्टॉल किया MIUI 10 का 8.11.29 का बीटा वाला वर्सन, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा नया नया ऑप्शन आपको मिल जाता है। और ये जो वर्सन आता है दोस्तों एंड्रॉयड P9 बेसिस पे, एंड्रॉयड 5 बेसिस पे, तो किस तरह से रोम मिल जाता है और क्या वो फीचर्स है जानने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसमें मैं बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाऊंगा क्या क्या नया फीचर्स हम लोग को इस वर्सन के अंदर मिलता है और क्या कुछ चेंजेस है, तो सभी दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपल आप जा सकते हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाने के बाद टेक्नो दुनिया सर्च कर लीजिए और यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके बाजू में बेल वाला घंटी को प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। दोस्तों इस तरह से जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने बहुत ही ज्यादा पोको F1 का वीडियो बनाया हूँ और आगे भी जाके बनाऊंगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रहना। अगर आप पोको F1 यूजर रहे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या वो फीचर्स मिल जाता है और किस तरह से आप उसको इंस्टॉल कर पाएंगे, क्या क्या चेंजेस है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा मेथड MIUI 10 का 8.11.29 का जो बीटा वाला अपडेट है, इसको जी फाइल को आप डाउनलोड करके यहाँ पे चूज अपडेट पैकेज में जाके अब उस रोम को फ्लैश कर सकते हैं। तो इसके लिए नहीं तो आपको बूटलोडर का अनलॉक रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको TWRP कस्टम रिकवर को इंस्टॉल रहना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, इसका मैंने डेडिकेटेड ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट रूट मेथड का। तो दोस्तों वीडियो नहीं देखे तो वो जाके देख सकते। इसमें मैं क्या क्या चेंजेस है मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले वाले चेंजेस की बात करें, दोस्तों यहाँ पे आप जो नोटिफिकेशन पैनल रिसेंट पे आप जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे नया ऑप्शन 3 आ चुका है, क्लीनर आ चुका है, सिक्योरिटी स्कैन, फाइन एप्स मैनेजर। तो यहाँ पे क्लीनर में जाके आपका जो कैचे फाइल है उसको आप क्लियर कर सकते। तो दोस्तों एक नया ऑप्शन आपको मिल जाता है, और उसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी स्कैन का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, जो डायरेक्ट जो जाके सेटिंग में से जाके करना नहीं पड़ेगा, यहीं से आप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और दोस्तों सेकंड चेंजेस की बात करें, दोस्तों आप सेटिंग्स पे जाते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कहीं भी नोज हाइट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, जो दोस्तों पहले मिलता है शायद कुछ जब से एंड्रॉइड 5 का अपडेट आया तब से दोस्तों इस जो ऑप्शन इसको हटा दिया गया नोज को हाइट करने का, तो शायद उसमें कुछ बग्स था इसलिए, और नेक्स्ट इन फ्यूचर आएगा कि नहीं पता नहीं है। तो दोस्तों नोज हाइट का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता। और उससे थर्ड चेंजेस की बात करें तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सिंपल हम सेटिंग्स में जाके एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, और उसके बाद जो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो बटन है जेस्चर सेटिंग्स पे जाएंगे तो एक नया ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, प्रेस एंड होल्ड टच टू पावर बटन। 5 सेकंड के लिए अगर पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो गूगल असिस्टेंट है तो इस तरह से कुछ ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है, तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो सिंपल हम लोगों को पावर बटन को थोड़ा सा प्रेस करके रखता हूँ, और देखिए हम लोगों का जो गूगल असिस्टेंट है तो ये वाला यहाँ पे आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से मेरा जो है यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का काम मैं ले पाया हूँ, तो बहुत ही अच्छा फीचर्स है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट है वो दोस्तों पबजी लवर्स के लिए, अगर आप पबजी गेम खेलते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि मल्टी टास्क जो इशू था वो दोस्तों फिक्स्ड कर दिया गया इस वर्जन के अंदर। तो ये जाके बहुत ही आसान तरीके से अपडेट कर सकते हैं, देख सकते कोई भी मल्टी टास्क का इशू आपको नजर नहीं आएगा। तो सिंपल तरीके से घोस्ट टास्क और फिर मल्टी टास्क जिसको कहते हैं वो दोस्तों बिल्कुल इस वर्जन के अंदर नहीं मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों बहुत सारे यूजर बोलते हैं कि उन लोगों को डिवाइस पे अपडेट करने के बाद क्या स्कोर मिलता है, तो स्कोर ताकि परफॉर्मेंस में मामले में उनको पता चल जाए। तो देख सकते हैं मेरा इस अपडेट करने के बाद जो मेरा जो स्कोर मिलता है 296050 का, तो ये काफी अच्छा माना जाता है। इतना ज्यादा कुछ हैंगिंग लैग इशू या फिर परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आएगा, जो बहुत ही अच्छा स्कोर इसमें माना जाता है। तो अंतुतु बेंचमार्क की स्कोर आपने देख लिया होगा। और दोस्तों और एक चेंजेस की बात करें, दोस्तों पोको लॉन्चर के अंदर दोस्तों एक नया चेंजेस आया है, तो सेटिंग्स में जा सकते हैं और उसमें बाद मोर पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रायर बैकग्राउंड जो है इसमें आप ट्रांसपेरेंट, डार्क, लाइट ये वाला कुछ कर सकते हैं, जो आपको पहले क्या था कि प्ले स्टोर में जाके करना पड़ता था इस लॉन्चर को अपडेट, तभी जाके मिलता था। पर अब जो है इस अपडेट के अंदर ही इस वाला फीचर्स को इंक्लूड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल आप क्या कर सकते हैं कि प्ले स्टोर में जाके इसका जो वर्जन इसको आप अपडेट कर देना, तब ताकि आपको भी अपडेट आ जाए। तो चलिए इस तो और एक चीज़ में आप लोगों को दिखा देता हूँ, हम लोगों को कैमरे के अंदर जो है 4K 60 FPS आया है कि नहीं और क्या नया चेंजेस कुछ मिलता है वो भी देख लेते हैं। हम वीडियो सेटिंग्स में जाते हैं, वीडियो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर हम लोग वीडियो क्वालिटी के अंदर देख सकते हैं, अभी भी है हम लोगों का जो है 60 FPS का अपडेट नहीं मिला है, पर नेक्स्ट अपडेट के अंदर शायद आ सकता है बीटा वर्सन के अंदर। और एक दोस्तों और एक खुशखबरी है कि अगर आप MIUI 10 का बीटा वर्सन में हो तो नेक्स्ट कुछ ही टाइम के अंदर MIUI 10 का 8.12.4.9 जो बीटा होगा तो उसमें 184 MB के साथ कुछ अपडेट होगा, उसमें
इसमें एक नया धांसु फीचर सबको मिल जाएगा। 960 fps का वीडियो को सुपर लो लाइट मोड पे आप खींच सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात होगा। और दोस्तों ये जो 960 fps जो सुपर स्लो मोशन होगा, तो हम लोग का फोको F1 का जो कैमरा है तो बहुत ही आसान तरीके से ये वाला फीचर को आप खींच पाएगा वीडियो को। और सुपर लो लाइट मोड दोस्तों वो होता है जो हम लोग का गूगल पिक्सल 3 का जो कैमरा है जिसमें आपको नाइट साइड मिल जाता है, उसी तरह का कुछ फीचर्स होगा जो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर बीटा वर्सन पे अपडेट नहीं किए तो मेरा वीडियो जाके देख के वहाँ पे विदाउट रूट मेथड पे बीटा वर्सन पे अपडेट कर सकते हैं। और इस बीटा पर अपडेट अगर आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों ये कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भी बोल सकते। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पोको F1 डिवाइस के लिए बहुत सारे वीडियो में बनाते रहता हूँ। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव ए गुड डे, बाय।